अपनी किताब में फिजिक्स की लाइट चैप्टर में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, उसके रे डायग्राम से बनाते हैं। तो वो आज मैंने एक्सपेरिमेंट रियल में करा मैंने है, यहाँ तो पे वो एक आप देख कन्वेक्स सकते लेंस लगा दिया है ऊपर, और ये थर्माकोल की शीट पे मैंने बनाया है। ये रहा हमारा F2, ये 2F2 और F1 और 2F1। इसका जो F1 है यानी कि फोकल लेंथ, वो 12.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के लिए हमने ये कैंडल ली है, और स्क्रीन के लिए मैंने ये एक पीछे डंडी लगा के अपनी स्क्रीन बना ली है। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन तो देखते हैं हम छः की पहले छः। केस पे आ चुके हैं। मैंने लाइट में अंधेरा कर दिया है, हमने वहाँ पे इन्फिनिटी पे एक कैंडल रख दिया है, इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर, और ये रही हमारी स्क्रीन। तो अब हम देखते हैं इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है। ये देखिए, ये हमारी इमेज ऑब्टेन हो चुकी है। जैसा कि हमने बुक में पढ़ा था, पॉइंट साइज वेरी हाईली डिमिनिश्ड, वैसी हमारी इमेज बनी है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये उल्टी बनी है, यानी कि इन्वर्टेड। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना केस 2। तो अब हम आ गए हैं केस 2 पे, जहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड 2F आ चुका है। यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा 2F और ये पीछे उससे। हम देखते हैं, ये हम देख सकते हैं जो हमारी इमेज है बिल्कुल ठीक बनी है, और हम देख सकते हैं ये अपने साइज से छोटी छोटी हो चुकी है, डिमिनिश हो चुकी है, और ये उल्टी बनी है। तो अब हम देखते हैं केस 3। अभी हमारा आ चुका है तीसरा केस, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो 2F2 पे आ चुका है, और अब हम देखते हैं इसकी इमेज जो है वो यहाँ पर बनी है। ये देख सकते हैं हम, सेम साइज़ की है और उल्टी बनी है, इन्वर्टेड है। तो अब हम चलते हैं अपने केस 4 पे। अभी हमारा आ गया केस 4, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन F1 एंड F2 आ चुका है, और अब हम देखते हैं इसकी जो इमेज है बियॉन्ड 2F2 चली गई है और उल्टी है, जैसा कि हम जानते हैं, और अपने साइज से बड़ी हो चुकी है, इनलार्ज हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं अपने केस 5 पे, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो F1 पे आ चुका है, देख सकते हैं आप। तो इसकी इमेज हमने पढ़ी थी कि हाईली इनलार्ज हो जाएगी और इन्फिनिटी पे बनेगी, यानी कि बहुत दूर बनेगी। तो अब हम देख सकते हैं जो इमेज है इससे काफ़ी दूर बनी है ऑब्जेक्ट से, और ये बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड हो चुकी है, हाईली इनलार्ज है, इसलिए हम इसको ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने केस 6 पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने केस 6 पे, जो कि हमारा आखिरी केस है, और ये ही सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल है, क्योंकि इसमें जो अब तक हमने केसेस देखे हैं वो सारे रियल इमेज फॉर्म कर रहे थे, लेकिन इसमें हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी कि हम इस स्क्रीन पे इसको ले नहीं सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब हमारा जो केस 6 है वो है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। तो इसमें हम अपनी जो ये स्क्रीन है इसको हम कहीं भी रख लें, इस पे इमेज फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें केवल और केवल वर्चुअल इमेज बन सकती है, और उसको देखने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। ये देखिए, ये इमेज हम केवल और केवल अपना जो मैग्नीफाइंग ग्लास है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है उसके अंदर ही देख सकते हैं, और आप देख सकते होंगे यहाँ पे इधर की साइड पे हमको रिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी दिख रहा है, और उसी के कारण जो सब कुछ इमेज बन रही है, और ये अपने साइज से बड़ी हो चुकी है, और ये वर्चुअल इमेज है इसलिए ये इरेक्ट भी है, यानी कि सीधी है। तो ये थे हमारे 6 के 6 केसेस कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाले। थैंक यू।